जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी। मित्रों, चंद्रवर्णी भक्तरस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवर्णी भक्तरस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आद्यशक्ति माँ भगवती से करवत प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमय हो। तो चंद्रवर्णी भक्तिरा चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा तुला राशि के जातकों के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम रहने वाला है तुला राशि के जातकों के लिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए 18 सितंबर से 24 सितंबर 2023 का यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा और बात करेंगे वीडियो के अंतिम में सुंदर सटीक से उपाय के, महत्वपूर्ण उपाय के, जिस उपाय को करके आप इस सप्ताह को सफलदायी, लाभदायी, आनंददायी बना सकें। तो आज के कार्यक्रम में जो है 18 से 24 सितंबर 2023 का यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, हर पहलू से बात करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए 18 से 24 सितंबर 2023 का यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो आज का जो यह कार्यक्रम होगा यह चंद्र लग्न से आधारित होगा। तो तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह जो है उतनी ही चादर फैलानी चाहिए जितने के आपके पैर हैं। तो इस बात का आपको इस सप्ताह ध्यान रखना है। कहने का अर्थ यह है कि इस सप्ताह जो है आप अपनी क्षमता से अधिक कोई जिम्मेदारी या काम लेने की आपको गलती नहीं करनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अन्यथा जो है आपको बेवजह की परेशानियां इस सप्ताह झेलनी पड़ सकती है। तो उतना ही आपको काम लेना है जितना आप जो है समय पे पूरा कर सके, नहीं तो आपको जो है बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। इसी प्रकार जो है अपने से ताकतवर लोगों से बेवजह उलझने की भी आपको भूल नहीं करनी है। जो आपसे ताकतवर लोग हैं उनसे आपको बिल्कुल भी बेवजह उलझना नहीं है, ऐसी भूल आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको जो है अपमानित होना पड़ सकता है। नौकरी पेशा करने वाले जितने भी तुला राशि के जातक हैं जो नौकरी पेशा करते हैं, तो नौकरी पेशा करने वाले लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में जो है सीनियर और जूनियर, जो आपके सीनियर हैं और जो आपके जूनियर हैं, दोनों को मिलाकर के चलने की आपके लिए आवश्यकता रहेगी। दोनों के साथ मिलकर के आपको आगे बढ़ना होगा। और इस सप्ताह जो है तुला राशि के जो जातक हैं, तो इस सप्ताह आपके विरोधी जो है आपके काम में अड़ंगे डाल सकते हैं, आपके कार्य में कोई विघ्न बाधा डाल सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, या फिर क्या करेंगे कि आपको लक्ष्यों से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको जो है अपने लक्ष्यों से भटकाने के आपके विरोधी इस सप्ताह जो है प्रयास करेंगे। ऐसे में आपको क्या करना है कि ऐसे में तुला राशि के जो जातक है, तुला राशि के जातकों को दूसरों की छोटी मोटी जो बातें हैं, छोटी मोटी बातों को बिल्कुल भी आपको तोल न दे करके बिल्कुल भी उन बातों को आपको इग्नोर कर देना है जो आपके लिए बेहतर रहेगा। छोटी मोटी बातों को ज्यादा आपने उन पे ध्यान नहीं देना है। सप्ताह का जो मध्य भाग होगा 18 से लेकर 24 सितंबर 2023 का जो मध्य भाग होगा, तो सप्ताह के मध्य भाग में जो है आपका मन समाज सेवा से जुड़े कार्यों में रमेगा। समाज सेवा से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनकी तरफ आपका मन लगेगा। लेकिन इस दौरान आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना है तुला राशि के जातकों को, कि इस बात का पूरा आपको ख्याल रखना है कि ऐसा करते समय आपकी जो निजी लाइफ है, निजी जो आपकी लाइफ है वह प्रभावित न होने पाए। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सप्ताह का जो उत्तरार्ध भाग होगा, सप्ताह का जो अंतिम हिस्सा होगा, तो उसमें जो है तुला राशि के जो जातक हैं, तो उसमें अचानक से जो है उत्तरार्ध भाग में अचानक से कुछ बड़े खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। तो सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से खर्चों की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके चलते आपका जो बजट है वह बजट गड़बड़ा सकता है। तो आपके जो बजट है वह बड़े खर्चों के कारण सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में जो है गड़बड़ा सकता है। और रिश्ते नातों की अगर बात करें, तो रिश्ते नातों की दृष्टि से यह सप्ताह जो है 18 से 24 सितंबर का, तो यह जो सप्ताह है इस समय आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल रह सकता है रिश्ते नातों की तरफ से। किसी बात को लेकर जो है छोटे भाई और बहन से आपकी अनबन हो सकती है, कुछ विवाद हो सकते हैं। तो कोई ऐसी बात होगी जिससे आपके अपने छोटे भाई या बहन से किसी बात पे आपकी अनबन हो सकती है, कुछ विवाद हो सकता है।
इस सप्ताह जो है माता पिता का संयोग और समर्थन आपको न मिलने के कारण जो है आपका मन थोड़ा सा खिन्न भी हो सकता है, माता पिता का संयोग आपको नहीं मिल पाएगा। बात करें प्रेम संबंध के, तो प्रेम संबंध इस सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा 18 से 24 सितंबर। तो प्रेम संबंध में जो है तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह उतावलेपन से आपको बचना है। तो तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह बिल्कुल प्रेम संबंध में बिल्कुल उतावला आपको नहीं होना है, उतावलेपन से आपको बचना है। अन्यथा क्या होगा कि सामाजिक बदनामी के साथ साथ जो है बेवजह की परेशानियां भी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो इसलिए जो है तुला राशि के जातकों को यह विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। तो जिनका विवाह हो चुका है तुला राशि के जातकों का, तो कठिन समय में जो है जीवन साथी जो है आपका सबल बना रहेगा और जीवन साथी का पूर्ण रूप से संयोग और समर्थन आपको मिलता रहेगा इस सप्ताह। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए उपाय क्या करें जिससे इस सप्ताह को सुफलदायी बनाया जा सके। तो तुला राशि के जातकों को उपाय के तौर पे है जो है प्रतिदिन किचन में जो है पहली जो रोटी आप बनाएंगे उस रोटी को आपको गाय को खिलाना है और प्रतिदिन आपको विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना है। तो अगर आप इस सप्ताह इस उपाय को करेंगे तो आप इस सप्ताह को सुफलदायी बना पाएंगे। तो यह उपाय आपको जरूर करना है। तो आज का यह कार्यक्रम यहीं पे करेंगे समाप्त। आज का कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक मां भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी।